देश की राजधानी, बरसता है पानी तब हमेशा दिखती है यही कहानी। कामकाजी दिन गुरुवार, स्कूल खुले थे, दफ्तर खुले थे, बाजार खुले थे, अस्पताल खुले थे, अदालतें खुली थी, किसी को रेलवे स्टेशन जाना था तो किसी की एयरपोर्ट से फ्लाइट थी। लेकिन बारिश हुई और जो जहां था वहीं फंस गया। भारी जलजमाव और सिस्टम की नाकामी ने काम पर जाने वाले लोगों को सड़क पर ही रोक दिया। राजधानी की हर सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लगी, गाड़ियां दौड़ नहीं रेंग रही। कुछ घंटों की बरसात ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। समय बढ़ता गया लेकिन जाम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। एबीपी न्यूज संवाददाता मेघा उपाध्याय की रिपोर्ट के जरिए समझिए आज सुबह से दोपहर तक दिल्ली कैसे सड़क पर फंस गए। मैं इस वक्त धौलाकुआं की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। ये जो रास्ता है धौलाकुआं महिपालपुर एयरपोर्ट की तरफ जाता है और अगर आप देखें तो यहाँ पर घंटों का ट्रैफिक जाम है। तकरीबन यही लेन में हम पिछले एक घंटे से फंसे हुए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पे हूँ। ये रास्ता आगे जयपुर की तरफ जाता है, एयरपोर्ट गुड़गांव को जोड़ता है और आप जरा यहाँ की तस्वीरें और हालात देखिए तो सड़क तकरीबन पानी में डूबी हुई है और आगे देखिए लंबा ट्रैफिक जाम। यहाँ आने में सेंट्रल दिल्ली से तकरीबन 20 से 30 मिनट लगता है लेकिन आज मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगा है। दिल्ली के जिस भी इलाके में देखेंगे आपको सिर्फ सड़क पर कतारबद्ध और जाम खत्म होने का इंतजार करती तस्वीरें ही दिखेंगी। अब आपको दिल्ली से दूसरे राज्यों में लेकर चलते हैं। ये दिल्ली से सटा यूपी का नोएडा, यहाँ ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि विशालकाय पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में घर के बाहर खड़ी कार आ गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राजस्थान के सिरोही जिले से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली। कुछ लोग अपनी और कई बकरियों की जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। 45 सेकंड के इस वीडियो को देखिए और सोचिए अगर पानी का बहाव थोड़ा और तेज हो जाता तो जान जा सकती। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में तो बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान ही रह गया जिसमें दबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। इस खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। मृतक महिलाओं की उम्र 35 साल, 32 साल और 30 साल थी। हरियाणा के जींद में सुबह से हो रही लगातार बारिश के बाद नरवाना में जलजमाव हो गया। बाजार बंद है, लोग घरों में कैद। जो निकल रहे हैं उन्हें पानी में डूब कर खतरों से खेल कर रास्ता पार करना पड़ रहा है। कुदरत के इस कहर की चपेट में शहर के शहर आ रहे हैं। ऐसे में खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखिए क्योंकि जान है तो जहान है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.